मैं इशू जो एजेंडा है उस पर भी बात करना चाहता हूँ जी। पहले रेजोल्यूशन ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबी चेयरमैन, दी सेनेट ऑफ पाकिस्तान टेकिंग नोट ऑफ सिस्टमेटिक इम्प्रिजनमेंट टॉर्चर ऑफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर टेक्स नोट ऑफ द सीरियस प्लाइट ऑफ कश्मीरी फ्रीडम फाइटर यासीन मलिक हु इज इनकार्सरेटेड इन ए डेथ सेल इन द नोटोरियस तिहार जेल इन इंडिया हैविंग स्पेंट 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन इंडियन प्रिजन्स। द सेनेट स्ट्रांगली कंडेम्स दिस इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ऑफ यासीन मलिक सिंस हिज ओनली क्राइम इज टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द ब्रूटल इंडियन मिलिट्री ऑक्यूपेशन। नाउ द सेनेट नोट्स द ग्रेव कंसर्न द न्यू फास्ट चार्जेज आर बीइंग कंकॉक्टेड अगेंस्ट यासीन मलिक विद अ व्यू टू कीपिंग हिम इन जेल इनडेफिनेटली। द सेनेट अर्जेस द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू इमीडिएटली टेक अप द केस ऑफ यासीन मलिक एंड ऑल अदर पोलिटिकल प्रिजनर्स इन ऑक्यूपाइड कश्मीर इंक्लूडिंग मोहतरमा आसिया अंदराबी विद द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल सीकिंग देयर स्विफ्ट रिलीज फ्रॉम इलीगल इंप्रिजनमेंट लॉन्च ए सस्टेंड ग्लोबल कैंपेन फॉर हाईलाइटिंग दिस इशू एट ऑल इंटरनेशनल फोरा इंक्लूडिंग फॉरेन गवर्नमेंट्स पार्लियामेंट्स एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट बैक टू द सेनेट विद इन 45 डेज एज टू द प्रोग्रेस मेड ऑन दिस इशू पर्सुएंट टू द सेनेट रेजोल्यूशन। Thank you. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes are with, the resolution is passed unanimously. Cheesy. Leader of the opposition, please. Sir, you were very kind to accept our agenda for this session. And there are about 8 or 9 items, and now the last two have been clubbed together. The first one is this House may discuss the pre-poll rigging and election tampering at all stages by government in the recent Gilgit-Baltistan elections. सर, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर रेगुलरली अबल तो इलेक्शन होते नहीं रहे, लेकिन जब होते हैं तो फिर उसके बाद एक फसाद खड़ा हो जाता है, बारिंग 1 or 2 इंस्टांसेस कि ये इलेक्शन रिग्ड थे, और फिर उसमें उसकी ऑथेंटिसिटी भी चैलेंज होती है, और जो मशीनरी उसको इलेक्शन करवा रही होती है वो भी जेर बहस आती है, लेकिन कभी कोई ऐसा नतीजा नहीं निकला कि उसको उसकी अनाइलमेंट हो या उसको असर न हो, सही तरीके से कानून के मुताबिक लोग अपनी राय दे सकें और फिर जो इंतजामिया बने उसके ऊपर लोगों को इतबार हो। बहन ही यही मामला गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी हुआ है, और वो जो तजर्बा 2018 के इलेक्शन में यहाँ किया गया था उससे कहीं बढ़कर यह तजर्बा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में हुआ है, और मुझे खतरा है कि शायद ये जो उनकी तरीकाकार है उसको आज़ाद कश्मीर में भी न आजमाया जाए। वो गिलगित बल्तिस्तान भी बड़ा सेंसिटिव इलाका है, चाइना के साथ इसके बॉर्डर्स हैं, सी पैक उसी से गुजरता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बैरूनी ताकतों की निगाहें भी इस इलाके के ऊपर है, बिलखसूस इंडिया की, और वो कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाता है कि वहाँ कोई फसाद खड़ा हो, कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि उनके और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पैदा हो, बदमजगी पैदा हो, बदएतमादी पैदा हो, तो इस वजह से इसकी तरफ खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मैं न सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन से तवक्कु रखता हूँ कि वो इसकी तरफ तवज्जो देगी और ये तजर्बा जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी,
बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये बुनियादी चीज है कि अगर फेल इलेक्शन ना हो तो इस सारे प्रोसेस के ऊपर से इत्माद लोगों का उठ जाता है। और इतनी डिठाई से ये गिलगित बल्तिस्तान में किया गया है कि मैं वो लाया हूँ सारे वाकयात और डॉक्यूमेंट्स जो अखबारात के में छपे भी हैं वहाँ भी और पाकिस्तान के अंदर भी, तो ये मैं आपके पेश करूँगा ताकि आप भी इसको एक नज़र देख लें। ये ले आएंगे इब्तदा इन्होंने ऐसे की कि पहले उन्होंने वहाँ के मौसम के लिहाज से जो इलेक्शंस होते हैं ताकि उसमें हाजिरी माकूल हो और लोगों की वो राय को रिफ्लेक्ट कर सकें, तो उस डेट को बदला गया। और जब कि ये कानून मौजूद है कि कोई सरकारी अहदेदार वहाँ नहीं जा सकता इलेक्शन के दौरान, और कोई ऐसा वादा नहीं कर सकता कि वो यहाँ कोई डेवलपमेंट कराएगा या कोई और चीज़ देगा, लेकिन इसको बिल्कुल फ्लैग्रेंट वायलेशन वहाँ हुई है। और यहाँ से मिनिस्टर्स गए हैं, हत्ता के प्राइम मिनिस्टर भी खुद वहाँ गए हैं, और जो ये यहाँ तय हुआ था कि इलेक्शन से पहले उस इलाके के स्टेटस के बारे में कोई बात भी की जाएगी, वो भी वहाँ जाकर उन्होंने ऐलान कर दिया और दुनिया शशदर रह गई। वो लोग जो चाहते थे कि ये बात ना हो वो भी बड़े मायूस हुए इस बात से, लेकिन इस बात की कोई परवाह नहीं की गई और कोशिश ही की गई कि जो लोग दूसरी जमातों के थे उन्हें ये अलर्ट किया गया कि देखें हमने फहरिस्तें बना ली हैं, लिस्टें बना ली हैं जिसमें आपका नाम है कि आपने जरूर कामयाब या होना है। लेकिन जो लोग अपनी जमातों को छोड़कर वो दूसरी तरफ गए हुकूमत की तरफ और उनको ये ख्याल था कि वो इलेक्ट हो जाएंगे, तो वो बाद में उनमें से अक्सर वो अपने सीटें लूज कर गए। लोगों ने उनको जो लोटा क्रेसी है उसको रिजेक्ट किया, लेकिन जो जनरली इन जमातों के उम्मीदवार थे उनको जो लालच दिया गया, जो दबाव बढ़ाए गए, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। हत्ता कि पाकिस्तान में भी उसकी मिसाल नहीं मिलती जो 2018 में हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बात की कोई किसी को परवाह नहीं थी कि अगर ये हम करके अपने रिजल्ट कर देते हैं तो वो ठीक होगा और लोग फिर रफ्तार रफ्तार उसको भूल जाएंगे। ऐसा तरीका अख्तियार किया गया जो मैं समझता हूँ कि इससे पहले पाकिस्तान में या उस इलाके में ऐसा तजुर्बा पहले नहीं किया गया था। ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारे उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ है जो पाकिस्तान को अपने उन इलाकों के अंदर रिवाज देना कतन ज़रूरी नहीं था जो उन्होंने वहाँ जाकर किया है। और वहाँ भी आप देखते हैं कि वहाँ मुजाहरे भी हुए, वहाँ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी जलाए गए, गाड़ियाँ जलाई गई, लेकिन ताबक है कितनी देर तक ऐसा हो सकता है। तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन उन लोगों ने दिल से उनको कबूल उन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को नहीं किया। इसी तरीके से वो जो आइटम नंबर 2 है उस पर भी आज कुछ बहस हुई है। दिस हाउस में डिस्कस द ओवरऑल प्रेसिपिटस इकोनॉमिक सिचुएशन एंड ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ लोन्स टेकन बाय द पीटीआई गवर्नमेंट। एक नॉर्मल तरीका तो यही हुआ करता था कि साल में एक दफा बजट बनता था और उसको खुफिया रखा जाता था तब वक्ते के फाइनेंस मिनिस्टर उसको अनाउंस न कर दे और ताकि उसके कोई एडवांटेज ना उठाए, अनड्यू एडवांटेज ना उसको मिले। लेकिन अब रिवाज ये हो गया है कि महीने में दो दो तीन तीन बार नया बजट आ जाता है, मिनी बजट आ जाता है, तेल और गैस की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, बाकी चीज़ें तो बिल्कुल
एक मैं समझता हूँ कि इस कदर खुराक की और इस्तेमाल की चीज़ें इतनी तेजी से बढ़ती हैं जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, और वो ये कहा जाता है कि जी लोग ये सप्लाई डिमांड की बात है, उसको ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आम आदमी से अगर आप पूछें तो वो बहुत परेशान है, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर ना होने की वजह से, और ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे की बढ़ोतरी में मदद करती है, बढ़ती है। एक चीज़ बढ़ती है, क्राइम बढ़ती है, अगर कीमतें बढ़ें तो क्राइम भी बढ़ती है। लोग ये जवाब पैदा कर लेते हैं अपने अंदर कि हमने आखिर अपने बच्चों को दो वक्त का खाना देना है या हमने भी जिंदा रहना है। तो ये खुद इस्लामाबाद के अंदर क्राइम इतनी बढ़ गई हैं, इतना सिलसिला ऐसा हो गया है कि एक स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी इस कैपिटल पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर हो गई है जो इससे पहले नहीं थी। वाकयात बयान करने की जरूरत नहीं है कि कितने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बड़ी बड़ी ग्लेरिंग यहाँ लॉलेसनेस की मिसालें दी जा सकती है। बेगुनाह मासूम लोगों को मारा जाता है, या बेरोजगारी और महंगाई से तंग आकर लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं और दूसरों को भी, अपने घर के लोगों को भी ज़बह करके कोई नहरों में डाल रहा है, किसी की कहीं की लाशें बरामद होती हैं और फिर तहकीकात शुरू होती है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन बुनियादी वजूहात जो हैं वो बिल्कुल वाज और ज़ाहिर है। इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए और जो अपने मामलात हैं वो ऐसे लोगों के सपोर्ट नहीं कर देने चाहिए। जैसे एक एडवाइजर साहब आज लंबी तकरीर कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का, उसमें उसको ख़राब कर लें, उसको एक अनएक्सेप्टेबल बनाने में खुद जो ये रोज़ टीवी के ऊपर आकर और अदालत में मुकदमा अलग चल रहा होता है और ये साहब जो है वो टीवी के ऊपर एक एक दिन में कई कई लोग बैठकर वो प्रिडिक्ट करते हैं और कहते हैं, और फिर मामला जब उसी नतीजे पर आ जाते हैं तो फिर महसूस होता है कि बजाय इसके कि ये मुआशरे के लिए कोई काम कर रहे हैं जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और इस तरीके से ये जो इनका रवैया है, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा कंडेमनेबल है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और अब तो जब ये टीवी पर सामने आते हैं कि मेरे पास एक आदमी बैठा था, उसने कहा आपने क्यों टीवी लगाया हुआ है इस आदमी को सुनने के लिए, इसको तो कोई सुनने को पसंद नहीं करता, लेकिन वो लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो दोनों आइटम्स हैं उनके ऊपर गौर करनी चाहिए, और जो तजवीज़ दी है अपोजिशन की तरफ से जावेद अब्बासी साहब ने और रजा रबानी साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि इसको इवन हैंडेड ट्रीटमेंट देनी चाहिए, बजाय इसके कि कोई मुल्क से बाहर हो, कोई आदमी जेल के अंदर हो तो आप उस पर दर इल्जामात लगाए जाएं और फिर लोगों से जो जिन्होंने आपको रखा हुआ है आप उनसे शाबाश ले लें, तो इससे अल्लाह ताला की ज़ात भी नाराज़ होती है और मखलूक खुदा भी नाराज़ होती है। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इसका इलाज होना चाहिए, वरना ये हालात पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। थैंक यू।